नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू TVS अपाची RTR 162B के बारे में। तो रिसेंटली TVS ने RTR 162B के ऊपर काफ़ी सारा अपडेट दिया है। तो क्या क्या अपडेट है इस वीडियो के दौरान मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा क्या क्या नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली आज इस वीडियो में मैं ये RTR 162B का एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इसका ऑन रोड प्राइस, कितना कलर स्कीम के साथ आ रहा है, कितना वेरिएंट के साथ आ रहा है, क्या नया फीचर्स देखने को मिल रहा है, कितना माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल TVS कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अभी हूँ कस्बा ब्रांच में। यूनिवर्सल TVS का और भी काफ़ी सारा ब्रांच है, तो आप जरूर आपका नियरेस्ट ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी ब्रांच का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते इस बाइक का वेरिएंट से। टोटल आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलता है। पहले इसमें आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलता था, सिंगल डिस्क डुअल डिस्क। अभी इसमें आपको टोटल तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, सिंगल डिस्क डुअल डिस्क और एक जो है आपका BT वेरिएंट। अभी 162B में भी आपको BT वेरिएंट देखने को मिलता है। ऑब्वियसली BT वेरिएंट का प्राइस जो है ज़्यादा है, तो प्राइस मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कलर स्कीम की अगर बात करें तो टोटल पांच कलर स्कीम देखने को मिलता है, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रे कलर। तो चलिए अभी प्राइस भी आपको मैं बता ही देता हूँ। तो ये जो डुअल डिस्क वेरिएंट है, ये है डुअल डिस्क वेरिएंट। ये जो डुअल डिस्क वेरिएंट है इसका प्राइस है कोलकाता में अप्रॉक्सीमेटली 1,49,700 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता में आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकता है। और वैसे इसका जो एकदम सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसका प्राइस है नियर अबाउट 1,45,883 रुपीज़ के आसपास आपको कोलकाता में इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी आते हैं इसमें क्या क्या नया चेंजेस और क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट आपको सामने में ऑलरेडी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको एक ब्राइट ऑल LED हेडलाइट सेटअप दी गई है और जिसका लुक्स काफ़ी बेहतर है पहले से। तो यहाँ पे न्यू LED DRL आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नाइट के टाइम पे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, पूछो मत। काफ़ी प्रीमियम सा एक लाइट सेटअप यहाँ पे दी गई। LED टेक का ब्रांडिंग भी आपको अंदर में दिख रहा होगा, TVS का लोगो भी आपको अंदर में दिख रहा होगा। अटेंशन टू डिटेल आप देखिए। और इग्निशन ऑन करने से इसका जो लो बीम है ये ऑन हो जाता है, और वैसे हाई बीम जो है ऊपर आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्टर LED है। और नेक्स्ट अगर चेंज की बात करें तो ये जो सामने में विंडस्क्रीन देख पा रहा हूँ ये भी पहले से बड़ा किया गया है। तो पहले इतना बड़ा विंडस्क्रीन आपको नहीं देखने को मिलता था, अभी जो है ये विंडस्क्रीन काफ़ी बड़ा की गई है। और टिंटेड विंडस्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इंडियन फ्लैग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, TVS का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो इंडिकेटर है ये RTR 164B में ऐसा इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। ये इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। ये जो वाइजर देख पा रहे हो, वाइजर का जो डिज़ाइन है वो भी आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। मतलब ये पोर्शन आप देख पा रहे हो, एरोडायनामिक डिज़ाइन बेसिकली यहाँ पे की गई, यहाँ से एयर जो फ्लो होके यहाँ से पास हो जाएगा। पहले से इसका जो वाइजर है ना, ये सामने का जो पोर्शन है पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अभी मेरे को दिख रहा है। और इधर आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इग्निशन को करते बंद, और चाबी में कोई भी बदलाव नहीं है। TVS का नॉर्मल की मिलता है, कोई भी वेब की आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। सामने में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, IS है 31mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। IS नॉट कन्फर्म, बट मेरे को देख के लग रहा है 31mm है। मडगार्ड में भी कोई भी बदलाव नहीं है, फाइबर का मडगार्ड देखने को मिलता है, एकदम ग्लॉस रेड कलर में यहाँ पे मडगार्ड दी गई है। लेकिन ये जो स्टिकरिंग है, कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला स्टिकरिंग आपको यहाँ पे अभी नया देखने को मिलता है। सुपर मोटो ABS का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सामने में आपको मैसिव 270mm का पेतल डिस्क मिलता है, सिंगल चैनल ABS के साथ। सामने में आपको ABS मिलता है, पीछे में आपको कोई भी ABS या फिर RLP सेंसर नहीं देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल में भी कोई भी बदलाव नहीं है, 90x90 17 inches का अलॉय व्हील के साथ आपको TVS रिमोरा का टायर यहाँ पे दी गई है, ट्यूबलेस टायर है। डेफिनेटली TVS रेसिंग का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैट ब्लैक कलर में आपको ये पूरा रिम मिलता है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो माइलेज की अगर बात करें तो 35 से 40 KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। बाकी टैंक के ये जो काउल है, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो, इसमें आपको काफी सारा चेंज देखने को मिलेगा। ये जो पैनल आप देख पा रहे हो ना, ये अभी नया एड ऑन हुआ है, पहले नहीं आता था। नेक्स्ट और एक चीज़ जो एड ऑन हुआ है वो है ये नीचे, ये जो पैनल या फिर पार्ट आप कुछ भी कह लो, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो ये भी नया एड ऑन हुआ है। और
ये एक्चुअली प्लास्टिक का पार्ट है, कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश यहाँ पे दी गई है, और इसका जो डिज़ाइन है ये तो मतलब काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो टैंक एक्सटेंशन आप देख पा रहे हो ना, इसमें बेसिकली बदलाव की गई है, और नया स्टिकरिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मतलब इस कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। टीवीएस का लोगो 3D एम्ब्लेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी आते हैं इंजिन की तरफ। तो इंजिन में पावर पहले से बढ़ा दिया गया है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल बेसिक्स कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 12 SOEC लेआउट इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पहले ये इंजन जो है नियर अबाउट 15.23 PS का पावर जनरेट करता था, अभी ये इंजन जो है 16.04 PS का पावर जनरेट करता है, और 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क पहले भी मिलता था, अभी भी आपको 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही मिलता है। 5-speed गियरबॉक्स है, कोई भी स्लिप एंड क्लच आपको नहीं देखने को मिलता। लेकिन और एक चीज इसमें एड ऑन हुआ है, वो है मोड, रेन अर्बन स्पोर्ट मोड, जैसे आपको RTR 164V में देखने को मिला था, इसमें भी आपको सेम मोड एड ऑन हुआ है। रेन और अर्बन मोड में जो है ये आपको 13.32 PS का पावर देगा और 12.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा इस इंजन से। दो शिफ्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पे आपको दी गई है, मिडिल स्टैंड वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फुटपैक जो है वो एकदम सेम पहले जो आपको देखने को मिलता था वैसा ही फुटपैक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चेंज की बात करें तो ये जो नीचे इंजन काउल देख पा रहे हो, ये टोटली नया लुक्स नया डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पे नया इंजन काउल देखने को मिलता है, जो पहले से देखने में और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इधर कर्स एंड एज भी यहाँ पे दी गई है, TVS रेसिंग का स्टिकर ही दिख रहा होगा, रेस ट्यून FI RT FI रेस ट्यून FI का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो TVS क्लेम करते हैं उनका जो FI सिस्टम है उसमें रेस ट्यून FI चिप जो है उन्होंने इंस्टॉल करते हैं। और इधर आपको क्रैश गार्ड भी दिख रहा होगा जो कंपनी फिटेड मिल जाता है। ट्विन हॉर्न दी गई है जिसका मतलब लाउडनेस जो है काफ़ी तगड़ा है। कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस बाइक में आपको वही सेम फ्रेम यूज़ की गई है जो पहले वाला वेरिएंट पे देखने को मिला था, डबल क्रैडल सिंको स्टीप फ्रेम अभी भी इसमें आपको देखने को मिलता है, फ्रेम में कोई भी बदलाव नहीं है। सीट की अगर बात करें तो सीट कंफर्टेबल सीट है, सिंगल सीट मिलता है, सीट एकदम सिमिलर है पहले वाला वेरिएंट से ही, रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा वो है पीछे, ये जो काउल देख पा रहे हो ये पीछे काउल अभी थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, मतलब अभी पहले से जो है ना ये काउल जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, पहले काउल जो है इधर से थोड़ा निकला हुआ रहता था। मेरे को अगर वो पुराना RTR 160 मिलता है तो ये दोनों बाइक का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो काउल है ये पहले से बाहर में कम निकला हुआ है, और स्टिकरिंग जो है इसमें अभी नया स्टिकरिंग भी दिख रहा होगा, तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है विथ न्यू LED टेल लाइट। और अपाची का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला ये साइड पैनल आपको पहले भी देखने को मिलता था। और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मैसिव 180 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो 790 mm इस बाइक का सीट हाइट है। वेट की अगर बात करें तो ये जो डुअल डिस्क वेरिएंट है इसका वेट है 138 kg, और जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसका वेट 137 kg। बॉक्स कटिंग स्विंगम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओपन चेन है तो हर 500 to 600 km के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। साड़ी गार्ड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेडीज फुटरेस्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेम शॉक एब्जॉर्बर दी गई है जो मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक मोनोशॉक एब्जॉर्बर TVS बेसिकली यूज़ करते हैं, और ये भी जो है एडजस्टेबल है तो आप ये से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, स्प्लिट ग्रैब रेल आपको पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा। टेल लाइट की अगर बात करें तो टेल लाइट भी एक बार ऑन करके दिखाते हैं, तो टेल लाइट का जो डिज़ाइन है ना काफ़ी खूबसूरत है, मतलब पहले से ये जो टेल लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। ऑल LED टेल लाइट मिलता है, और ये जो LED मतलब स्ट्रीप है ना ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आप बोलिए, आप लोग जरूर नीचे मेरे को बताना ये LED टेल लाइट आपको कैसा लगा। बल्ब टर्न इंडिकेटर आप, और ये जो फेक कार्बन फाइबर फिनिश टेक्सचर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर आपको तीनों जगह दी गई है। तो और ये जो नंबर प्लेट का लाइट है ये अभी भी आपको बल्ब में ही मिलता है। रियर डिस्क की अगर बात करें तो ये डुअल डिस्क वेरिएंट है, तो इसमें आपको पीछे में 200 सेक्शन का डिस्क मिलता है, पेटल डिस्क दी गई है। पीछे में आपको कोई भी RLP सेंसर या फिर कोई भी ABS रिंग यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। टायर प्रोफाइल 110/80 17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, TVS रिमोरा का टायर है, और TVS रेसिंग का स्टिकरिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एग्जॉस्ट में भी कोई भी बदलाव नहीं है, सेम एग्जॉस्ट मिलता है विथ
यहाँ पे क्रोम में सील भी दी गई है। आरटीआर का ब्रांडिंग जो है आपको इसके अंदर वो भी देखने को मिलता है। और ये इंजन जो है पहले से ही जो है कंपनी ने इसका जो किक स्टार्ट है वो निकाल दिया था, तो अभी भी जो है इसमें आपको कोई भी किक स्टार्ट नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभी आते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसमें बदलाव की गई है, काफ़ी बदलाव है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एक्चुअली आरटीआर 164B का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो मिलता ही है। ऊपर में आपको मिलता है टैकोमीटर, इधर आपका टाइम शो करता है, स्पीड, और इधर आपका कौन सा मोड पे है वो शो करता है। अभी स्पोर्ट मोड पे है, तो यहाँ पे मोड स्विच अलग से आपको मिलता है, स्पोर्ट, रेन, अर्बन, तो यहाँ पे आपको तीन मोड मिलता है। इधर आपको ओडोमीटर दिख रहा होगा, मेनू अगर आप दबाओगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 और हाई स्पीड आप कितना अचीव किए थे और 0 to 60 आप कितना सेकंड पे अचीव किए थे वो भी शो करता है। सिलेक्ट बटन और दिस इज द हाई शिफ्ट आरपीएम लिमिटर। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो इधर आपको मिल जाता है इंडिकेटर का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, ABS का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, न्यूट्रल का सिग्नल, रिजर्व लाइट और राइट साइड में भी आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है। TVS का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये वाइजर को फिट करने के लिए ये टोटली जो मेकानिज्म है ये एकदम ही नया इसमें कंपनी ने बेसिकली इंस्टॉल किया है। तो आपका पुराना वाला जो RTR 160 है उसमें आप ये वाइजर फिट नहीं कर सकते हो, आपको कुछ जुगाड़ लगा के उसको जो है फिट करना पड़ेगा। क्लिप ऑन हैंडल बार तो आपको पहले से ही देखने को मिलता था, तो क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे दी गई है। RTR 160 का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मोड बटन मिलता है, इंजन किल स्विच दी गई है, इधर आपको सेल बटन, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, इधर आपको हॉर्न का स्विच मिलता है, तो ट्विन हॉर्न मिलता है, तो हॉर्न जो है काफ़ी लाउड है। दिस इज द डिपर बटन। क्लच की अगर बात करें तो क्लच भी लाइट है, लाइक 160cc वाइज क्लच मेरे को काफ़ी लाइट लगा। मेटल का क्लच लीवर दी गई है, मेटल का ब्रेक लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको फिलहाल के लिए खोल देते हैं। और मिरर की अगर बात करें तो मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है। तो अभी चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं और इसका हाई बीम उसका भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। और टैंक के यहाँ पे ये जो स्टिकरिंग देख पा रहे हो, रेसिंग सिंस 1982, ये जो नया कार्बन फाइबर वाला स्टिकरिंग है ये भी आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है। चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट नोट में तो मेरे को एज सच कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, बाकी टेल लाइट ये मेरा फेवरेट है, इस बाइक का जो टेल लाइट है ये मेरा फेवरेट है। और चलिए इसका हाई बीम भी एक बार आपको दिखाते, देखिए अभी इसका हाई बीम ऑन है और ये नीचे है इसका लो बीम, तो लाइट का जो थ्रो है और सामने से इसका जो लुक्स है काफ़ी सुंदर है। इसका भी हाई बीम को करते बंद और इसका लुक्स देखिए कितना खूबसूरत है ना। आपको ये लुक्स कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर ये बाइक खरीदना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।